और ये सब बातें करते करते मैं भी इमोशनल हो गया। पहुंच गए काकू सा के घर पे। कहाँ है? मिठाई ये देख। आप कहाँ गए थे? और शायद काकी से हैं वो छत पे, मेरी माइसा भी लगते हैं, वो मासी भी लगते हैं। जो मेरी काकी से हैं वो मेरी मम्मी और वो दोनों बहनें हैं, मतलब काकोसा की बेटियां हैं ऐसे। तो वो छत पे हैं, काकोसा बुलाने गए उनको। और अभी थोड़ी देर में कोमल भी आ जाएगी, उसको मैंने फ़ोन कर दिया है। ओढ़नी, ये मेरी ड्रेस लेके आई है, ओढ़नी सिलवा के। ये 4 मीटर मेहंदी की, ये मेहंदी की, ये चूड़ा रेड कलर का लेकिन नहीं पिंक है। अच्छा, इसमें पिंक सूट करता है। हाँ। ओके। लोग देखते हैं पैसा। और ये हमारी जाए तो मैं आ चुकी हूँ रेडी, मैंने सब पहन लिया है, बस चूड़ा नहीं पहना। चूड़ा मैं इसलिए नहीं पहन रही हूँ, एक मिनट। तो चूड़ा भी लेके आई थी कोमल ये, पर चूड़ा मैं इसलिए नहीं पहन रही हूँ क्योंकि अभी मेरा जलवे का मतलब जलवा नहीं पूजा, जिसे कुआ पूजन भी कहते हैं, तो वो होली के बाद पूजेंगे। तो तब तक चूड़ा नहीं बदल सकते, मतलब नया चूड़ा नहीं पहन सकते, पुराना तो कोई पहन लो। तो ये मैं तब पहनूंगी उसके बाद। तो ये मम्मी ने मना किया था कि मत पहनना चूड़ा। बाकी मैंने बिंदी लगा ली, सिंदूर मांग भर ली है और काजल वगैरह सारा श्रृंगार कर लिया। सुहाग का अब बचा है मेहंदी लगाना, तो कोमल मेरे थोड़ी सी मेहंदी लगा देगी सून की बस। और नया बेस पहन लिया मैंने, सिला दिया, तो अब से मैं पूरा श्रृंगार कर सकती हूँ। तो अब मेरे खाली मेहंदी बची है, वो कोमल लगा रही है मेरे हाथों में, मतलब सूंड की थोड़ी सी लगाऊंगी ऐसे हल्का सा, और फिर 5 मिनट बाद उसको वॉश कर लूंगी। मम्मी ने कहा था सूंड की लगा लेना। बीच में 1 रुपए मार दे। ये हमारा ट्रेडिशनल है मेहंदी का, अच्छा भी लगता है। वैसे ऐसे मेकअप करने से मतलब थोड़ा सा अपन ऐसे कर लेते हैं तो कितना मतलब ऐसे ग्लो सा लगता है फेस, वरना ऐसे बुझा बुझा सा लगता है ना। वैसे भी केमिकल की आती है, 10 मिनट लगा के रखो रच जाएगी। मेरे तो रिएक्शन ही करने लग गई है, जलन होती है ना मेरे भी, जलता है हाथ, खुजली होती है बहुत भयंकर। हाँ। मेरी प्रेगनेंसी के बाद होने लगी, पहले नहीं होती थी। अब ये उंगलियों पे थोड़ा सा सूंड का लगा दे, थोड़ा सा भी मैं इसको कर लूँगी, फैला दे हाथ से, ले एक उंगली से फैला दे। पहले मैं सूंड का खाली कोरों पे मतलब उंगलियों पे लगवा रही थी, फिर मैंने सोचा ढंग से ही लगा लूं, तो थोड़ा ढंग से लगा लिया। पीछे नहीं लगवा रही, आगे आगे से लगा दी, मेरे साथ पे भी लगा दे। तो इस तो हैंड वॉश कर लूंगी। दी के मैंने रुपया बना दिया, वैसे सुंदर लग रही, पता है मेहंदी सुंदर लगती है ऐसे। मेहंदी लग गई मेरी, वैसे मैं थोड़ी सी लगा रही थी, पर फिर इसने बोला लगवा ही रही है तो हाँ तो ढंग से लगवा ली, बोली चिटली उंगली पे लगा दे बस, मैं फिर अब लगा ही रही है तो लगवा ले, है ना मौसी, क्या बोलते हो? तो बस ये 10 मिनट रखने के बाद वॉश कर लूंगी, उसके बाद फिर घर चलेंगे क्योंकि बच्चे भी वेट कर रहे होंगे, बच्चे मम्मी को परेशान करने लग जाएंगे, मम्मी अकेले कैसे संभालेगी, इसलिए।
फेस भी अच्छा है। ये भी परी ने ना लेके आई, तू भी नहीं लेके आई। मेरे तो दो इसलिए नहीं लेके आई, ये परी को पता नहीं क्यों नहीं लेके आई, खाली हाथ आ गई। अरे स्कूटी पे थी, तेरा बेस लेके आना था सिलाई वाली के से, फिर चूड़ा लेना था, मैं के लड़की को लेके कहाँ स्कूटी पे घूमूं। मुश्किल से तो बैग ठीक होती है वो, हाँ कम्बल भी ले जाना है। मेरे तो भाई कई चीजें थी, बच्चों की सारी चीज, मेरा कम्बल यही रखा हुआ दीदी, ओढ़ दी थी इसको, सबसे काको साके रखा है इसको, मैं लेके जाऊंगी। हाँ भी ले जाइए, चल अंदर मकान ठंडा है ना इसलिए ठंड लगा था, बाहर होगी धूप। वैसे ऐसे मतलब थोड़ा सा ये कर लेते तो कितना चेंज लगता है ना इंसान, खासकर हम लेडीज। तब हम लोग जा रहे हैं घर, वैसे मैं ज्यादा देर नहीं रुकी, हम लोग वैसे लंच करके आए थे घर से, खाना वगैरह खा के आए थे, क्योंकि हमें पता था खाना वगैरह अगर यहाँ करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बच्चों के पास भी हमें जाना है। तो वैसे लाइफ इतनी चेंज हो जाती है ना बच्चों के बाद हमेशा, और पता है मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, मन कर रहा है फटाफट मैं अपने बच्चों के पास जाऊँ, उनको गले लगाऊँ, किसी करूँ, ऐसे अकेला छोड़ के आने तो मन नहीं कर रहा। सही बात। हाँ तो बस हमने नाश्ता पानी किया और फटाफट मैंने मेहंदी वगैरह भी धो ली थी और थोड़ी सी रच गई, वैसे भी आजकल जितनी मेहंदी आती है केमिकल वाली आती है, देखो मात्र 10 मिनट में रच गई है। तो हम घर जा रहे हैं और फटाफट हम अपने बच्चों से मिलेंगे, मेरे रुद्र रिद्धि से। आए थे तब तो वो सो रहे थे। हाँ आए थे जब दोनों सो रहे थे, मम्मी के पास छोड़ के आए थे, मम्मी भी सो गए थे, तो मम्मी आप नहीं सो जाओ इनके पास। तो वैसे वो दिन में परेशान नहीं करते, दिन में आराम से मस्त सोते हैं, रात को ही परेशान करते हैं वो भी थोड़ा बहुत करते हैं, कभी कभी भाई तबीयत वगैरह थोड़ी ऐसी होती है तो कर देते हैं बच्चे। अब तो मैं आ गई घर पे और घर आते ही मैंने देखा मम्मी रिद्धि को मतलब घुमा रही थी उसको, उसने दूध पिया था तो कंधे पे ले रखा था और रुद्र सो रहा, उसको भी मम्मी ने दूध पिला दिया था। और मेरे को इतना था कि मैं फटाफट घर जाऊं इन दोनों से मिलूं, मेरे बेटा मम्मा ने बहुत मिची मिची किया आपको। हाँ बस यही बात है, मतलब जब बच्चे जाते ना तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने दिनों बाद उनसे मिल रहे हैं, फटाफट मेरा मन करता है फटाफट जाऊं अपने बच्चों के पास। हाँ मम्मा ने मिची मिची किया बेटू को। हाँ आजकल पता है एक और चीज़ है, परी रिद्धि रूप से इनकी आंखें नहीं ठहरती, मतलब छोटे बच्चों को क्या मतलब ऐसे देखते रहते हैं अपनी दुनिया में रहते हैं। आजकल एक चीज़ है दोनों रिएक्ट मतलब थोड़ा बहुत करने लगे, जैसे इनकी आंखें ठहरने लगी, जैसे मैं बोलती हूँ तो देखते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं उतना तो नहीं बट थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। हाँ मेरे चंदा। तो वहाँ से आने के बाद मैंने चेंज वेंज किया और अभी रिद्धि को फीड कराया, वैसे शाम हो चुकी है वैसे, और ये बाहर गए किसी काम से और रिद्धि को मैंने अभी फीड कराया था और अब मैं इसे बर्फ करा रही हूँ, यानी कि डकार दिला रही हूँ जो कि ले चुकी है। रुद्र मेरा सो रहा है, रिद्धि भी अब सो गई, ये ऐसे सो जाते हैं दोनों दूध पीने के बाद। तो दैट्स फॉर टुडेज व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले, एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खमा गणिसा, बाय बाय। Yes, they're